अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं और इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले थोड़ा सा जो है ना इसकी जो शेप है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फर्म है वो प्रोडक्ट बनाती है P1, P2 और P3 और वो C1 और C2 कस्टमर्स को वो सेल कर देती है। तो इसमें हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट बनाती है 2, 3, 5, 6, 7 और 9। ठीक है, यहाँ से इसका जो है वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है। जितने भी आप फर्म में देखते हैं उसमें ऑडिट शीट्स वगैरह बनती हैं वो सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट के जरिए बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखें ये जो जस्ट मैंने लाइन जो है वो मार्क की है, तो इसमें से अगर हम क्या करें ये जो कॉलम मैंने लास्ट में मार्क की है इनको हम हटा दें। ये आपके पास एक्चुअली क्या आ गया, एक डाटा आ गया है, एक फर्म का डाटा है जो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 बना रही है और C1, C2 ये कस्टमर्स हैं, इनको इतनी इतनी क्वांटिटीज ये दे रही है जो आगे सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करें, अगर स्पेसिफिक ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके ये जो कॉलम्स हैं हमने बनाए हैं बॉक्सेस, इनको अगर हम हटा दें और साथ में ही हम ये स्पेसिफिक टैग जो लगाए हैं हमने प्रोडक्ट्स के और कस्टमर्स के, इनको हम हटा देते हैं, जो हमारे पास एक डाटा बचता है और इस डाटा को हम क्या करते हैं ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास किसकी शेप बनती है, मैट्रिक्स की शेप बनती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं हुआ कि अ रेक्टेंगुलर अरे और अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट इज सेड टू बी नोन एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें आप मजमूआ इकट्ठा करते हैं कुछ रियल नंबर्स का और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि ये तो एक डाटा है ना, तो इसमें कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कोई भी इंडस्ट्री किसी कस्टमर को वो नेगेटिव नहीं दे सकती, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं चूज किए हुए। ठीक है, जैसे अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवेल्प कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम इसकी शेप देखें तो हम इसमें चूज करते हैं 2, -3, 1 और आयोटा। अब इसके अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास कलेक्शन पड़ी हुई है रियल नंबर की और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है जी, इसके बाद मैट्रिक्स का आता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये जो आपके पास है ये हॉरिजॉन्टल, ये आपकी क्या होती हैं, ये रोज होती हैं। ठीक है, रोज मल्टीप्लाई विद कॉलम्स, कॉलम के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें ये जो है ना आपके ये वर्टिकल आपके कॉलम्स है ये। ठीक है, तो कॉलम्स, तो अगर आप अब यहाँ पे गौर करें तो आपके पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, कितनी रोज है इसमें, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3 बनेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, कि कब दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, अगर ए और बी कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स हैं, मीन के उसमें जो है वो कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। ठीक है, खाली मैट्रिक्स नहीं है वो। ठीक है, और कहते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। ये दो कंडीशन कौन सी हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन ये है,
देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंट्रीज आर सेम। ठीक है, कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी क्या हो, सेम हो। हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3 और 5। सेकंड आपके पास मैट्रिक्स है 1 माइनस 1, 2, 3 एंड 2 प्लस 3। अब दो चीज़ें हमने इसमें चेक करनी है। नंबर वन, कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखें जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 है। सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 है। इट मीन के जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकेंड कंडीशन क्या है, कि देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, के उनकी क्रॉसपॉन्डिंग मुताबकत की जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा इनकी सिमिलरिटी। ये आपके पास 1 है, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास कितना है, 1 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कि 1 आपका 0 के इक्वल नहीं होता। बाकी आप आगे देखें, 2 इक्वल 2 के है, 3 इक्वल 3 के है और 5 इक्वल 2 प्लस 3 के है। जस्ट इसमें देखें, एक आपके पास जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है वो सेम नहीं है, बाकी सारी सेम है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ए और बी मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। यही 1 माइनस 1 की जगह पे आप 2 माइनस 1 कर लें तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल 1 के हो जाएगा और आपका ए इक्वल फिर किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आती है मैट्रिक्स की टाइप्स। तो तकरीबन कोई 12 को टाइप्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, किसमें 9th क्लास के अंदर, और बाकी जो है 2-3 इसमें ऐड करके आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, वही एक काम है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उन टाइप्स को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 रॉ मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलमन मैट्रिक्स, और उसके बाद नंबर 3 है आपके पास नल मैट्रिक्स, और नंबर 4 है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके बाद नंबर 5 है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देन आपके पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स नंबर 7। ये तो थोड़ी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखी हुई, थोड़ा सा जो है ना ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया इनका। तो एक्चुअली जो है ना डायगोनल से पहले हमें जिक्र कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छी बात है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, और फिर उसके बाद नंबर 7 पे आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो डेफिनेशन मैं लिखूंगा वो तमाम की तमाम डेफिनेशन उस वक्त सेटिस्फाइड होंगी जब आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपके पास आएगी डायगोनल मैट्रिक्स, और देन आपके पास आएगा स्केलर मैट्रिक्स,
और फिर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 11th वन आपके पास होगा सिमेट्री मैट्रिक्स और नंबर 12 स्क्यू सिमेट्रिक नंबर 13 हर्मीशियन। ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। और नंबर 14 स्क्यू हर्मीशियन और स्क्यू हर्मीशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का पता होना आपको ज़रूरी है। और इसके बाद हम जिक्र कर लेते हैं कुछ सिंगुलर मैट्रिक्स का। सिंगुलर मैट्रिक्स और देन आपके पास आ जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इनकी थोड़ी सी फॉर्म नोटेशन में लिख देता हूँ। किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे वो उसी के ही इक्वल आ जाएगा, तो वो सिमेट्रिक होगा। किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव ए के इक्वल होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सही। चले, नेक्स्ट वन है आपके पास हर्मीशियन। और इसमें आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का बार लें और उसका ट्रांसपोज लें वो उसी के ही इक्वल आ जाए। एक्चुअली जो हर्मीशियन मैट्रिक्स है ये ज्यादातर इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जब आपको मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसमें आप एक्चुअली करते क्या है कि जो आपके पास होता है इमेजिनरी साइन, उसका आप साइन चेंज करते हैं अयोटा वाला, और फिर जो है ना वो उसका बार लेते हैं, देन उसका ट्रांसपोज वो उसी के ही इक्वल आ जाता है, तो वो आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो तो वो सिंगुलर है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो वो नॉन सिंगुलर है। खास तौर के ऊपर आपने इनको जरूर जो है ना वो याद करना है। ठीक है, सिमेट्री का पता होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, इनके ऊपर काम करें, इनको थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।